अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों का नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह सेशन फाइव की ही कंटिन्यूटी में, सेशन सिक्स की ही कंटिन्यूटी में हमारा नेक्स्ट सेशन है। पहले हम प्रीवियस सेशन में हमने फॉर अनग्रुप्ड डेटा सेंट्रल टेंडेंसीज फाइंड आउट की थी, आज हम लोग इस सेशन में इंशाल्लाह फॉर द ग्रुप्ड डेटा वही सेंट्रल टेंडेंसीज फाइंड आउट करेंगे जो कि थी हमारी मीन, मीडियन एंड मॉड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट पॉपुलर सेंट्रल टेंडेंसीज हैं फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा, दिस इज द ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप डेटा लुक्स लाइक दिस कि उसमें आपके पास क्लासेस मेंशन होती हैं, यानी इंटरवल्स भी इसको बोलते हैं, क्लासेस भी इनको बोलते हैं, जिसमें आपके पास एक लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक एक रेंज गिवन होती है कि इस रेंज तक के लेकर मेरे पास ये फ्रीक्वेंसीज है। या आपके पास हाइट्स भी हो सकते हैं, आपके पास वेट्स भी हो सकते हैं, स्कोर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन मेन बात है कि दीज आर क्लासिफाइड लाइक दिस इन इंटरवल्स, राइट। नेक्स्ट ही कॉलम में आपको उसके पास उसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। फ्रीक्वेंसी मींस के इसके अंदर 0 to 3 के अंदर जितने भी डेटा में वैल्यूज़ थी वो 2 वैल्यूज़ थी, ठीक है। इसी तरह 4 to 7 जितने भी डेटा के अंदर वैल्यूज़ थी वो 3 थी, एंड सेम इज़ द केस लाइक दिस। एंड फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं एफ से, राइट। हम लोगों ने करना है सबसे पहले मीन। तो मीन यानी कि अर्थमेटिक मीन हमारा कैसे फाइंड आउट होता है। फॉर द ग्रुप्ड डेटा इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार, इट इज़ समीशन ऑफ एफ एक्स ओवर समीशन ऑफ एफ, राइट। यानी कि सिर्फ फ्रीक्वेंसी का समीशन तो हम लोग कर लेंगे, समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास गिवन है। जब हम लोग इस सारी फ्रीक्वेंसी का सम कर लेंगे तो हमारे पास समीशन ऑफ एफ गिवन है। बट दिस थिंग इज न्यू कि व्हाट इज एफ एक्स, बिकॉज वी डोंट नो एक्स येट। हमारे पास एक्स अभी गिवन नहीं है। हम एक्स, हम लोगों ने प्रीवियस, अगर आपको याद हो, ग्रुप अनग्रुप डेटा में हमने एक्स किसको बोला था, जो हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज होती थी, जो हमारे पास वैल्यूज होती थी, ठीक है, जो हमारे पास आइटम्स होते थे हम उसको एक्स बोलते थे। बट द केस इज डिफरेंट व्हेन यू डील विद द ग्रुप्ड डेटा। आपने एक्स आपके मिड पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको गिवन नहीं होते और आपको खुद से वो फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। आप मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, दिस इज वेरी इजी। आप अपने क्लासेस की लोएस्ट लिमिट, एक क्लास की लोएस्ट लिमिट को प्लस करते हैं क्लास की अपर लिमिट से एंड डिवाइडेड बाई 2, राइट, लाइक दिस। 0 + 3 / 2 = 4 + 7 / 2 = 8 + 11 / 2 = 12 + 15 / 2 = 16 + 19 / 2 = 2। तो आपके पास मिड पॉइंट्स आ जाते हैं, यानी कि x आ जाता है। अभी भी हमें क्या चाहिए, समीशन ऑफ एफ एक्स चाहिए, ठीक है। हमारे पास ये चीज़ नहीं है समीशन ऑफ एफ एक्स। तो ये हमारे पास कैसे बनेगी, जब हम अपने f के कॉलम को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक न्यू कॉलम बन जाएगा एफ एक्स का, राइट। दोबारा से सुन लें, फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है होती है, x हमें फाइंड आउट करना होता है विच इज़ कॉल्ड द मिड पॉइंट्स, उसको हम x से डिनोट करते हैं। और जब हम अपने ये वाले कॉलम को f को मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ 1 by 1 हर क्लास के साथ, ठीक है, ये इस क्लास को अलग करेंगे, इस क्लास को अलग करेंगे, तो हमारे पास एफ एक्स का कॉलम ड्रॉ हो जाएगा। और जब हम अपने एफ एक्स का सम लेंगे तो वो हमारे पास समीशन ऑफ एफ एक्स कहलाएगा, जो कि हमारे फॉर्मूला का फुलफिलमेंट हो जाएगी। कि फुलफिलमेंट कैसे होगी, कि जो रिक्वायर्ड चीज़ है हमारे पास, जो रिक्वायर्ड टर्म है समीशन ऑफ एफ एक्स, वो हमारे पास यहाँ पे गिवन हो जाएगा, राइट। अब इसको मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 + 0 3 + 2 / 3 / 2 = 1.5। इसको चेक कर लेते हैं, इसी तरह 1 by 1 आप जो हैं अपने मिड पॉइंट्स निकालते रहेंगे। 1.5 4 + 7 / 2 = 5.5, ये बनेगा 9.5 13.5 17.5, राइट। ये आपके पास मिड पॉइंट्स आ गए हैं, जो कि नॉर्मली आपके पास पॉइंट्स में वैल्यूज आती हैं मिड पॉइंट्स की, ठीक है। अब आपने f को x के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास इस क्लास का एफ एक्स आ जाएगा, राइट। आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक दिस ताकि आपको पता चले। वैसे आपने सिर्फ डायरेक्ट एफ एक्स ही लिख देना होता है, 2 × 1.5, ठीक है। ये वाली कैलकुलेशंस ना लिखें बेशक, जब आप अपना ड्रॉ कर रहे होंगे टेबल, आपको पता होना चाहिए कि f को मैंने मल्टीप्लाई कर रही हूँ किसके साथ, x के साथ, राइट। और x मैंने कैसे फाइंड आउट किया था, हाईएस्ट लिमिट प्लस लोएस्ट लिमिट डिवाइड बाय 2 ऑफ द सेम क्लास, ऑफ द स्पेसिफिक क्लास, राइट। अब ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 3 × 5.5,
फ्रीक्वेंसी इस क्लास की है 8 इंटू 9.5, थ्री फ्रीक्वेंसी अगेन 3 इंटू 13.5 एंड 2 इंटू 17.5। अब आप इसको वन बाय वन मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो आपके पास डेटा एफ एक्स का आना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपके पास आएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये आपके पास आएगा 15.5 आई थिंक, इसको लेकिन रीचेक कर लेते हैं, 5.5 इंटू 3 16.5, 5.5 इंटू 3 16.5, 8 इंटू 9.5 76, 3 इंटू 13.5 40.5, नेक्स्ट इज 2 इंटू 17.5 35, ठीक है, ये आपके पास इसकी वैल्यूज आना स्टार्ट हो गई एफ एक्स की। अब मेरे पास समीशन इसके पास ऑलरेडी डन है तो आई एम गोइंग टू राइट डाउन द समीशन एज 171, इसी कैलकुलेट आप कर लेंगे सारी इन वैल्यूज़ को, 3, 16.5, 76, 40.5 एंड 30 को, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 171, ठीक है। तो ये आपके पास एफ एक्स है जो कि आपका रिक्वायर्ड था, इट मीन्स कि आपके पास समीशन ऑफ एफ एक्स अब गिवन है, ठीक है, और सम ऑफ एफ आपके पास ऑलरेडी गिवन था जो कि आपके तमाम फ्रिक्वेंसी का सम होता है, समीशन होता है एफ। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें, 171 डिवाइडेड बाय 18, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अर्थमैटिक मीन विच इज 171 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 9.5, ठीक है, 9.5 आपके पास एवरेज आ गई है इसकी, यानी कि आपके पास अर्थमेटिक मीन आ गया है फॉर द ग्रुप डेटा। आपका ग्रुप डेटा का एवरेज आपने ऐसे निकालना होता है, ठीक है, क्लासेस में चीज़ें गिवन होती हैं, सिर्फ आपको दो न्यू कॉलम्स बनाने पड़ते हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी सबसे पहले गिवन होती है, इंटरवल्स भी गिवन होते हैं, आपको नया कॉलम बनाना होता है मिड पॉइंट्स का एक्स, ठीक है, फिर आपको नया कॉलम बनाना होता है एफ एक्स का जिसमें आप एफ को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स के साथ और फिर आपके पास समीशन आ जाता है एफ एक्स का, राइट, दिस इज हाउ यू डू द मीडियन, अंडरस्टैंड। अब ये ग्रुप डेटा को मीडियन करने का ये तरीका था, नाउ लेट्स सी कि हम ग्रुप डेटा की मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। मीडियन का सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं सो दैट वी कैन नो कि हमारे पास कौन सी टर्म्स इसमें ऑलरेडी टेबल में मौजूद नहीं है, वो हम निकालें, एक्वायर करें। जैसे कि हमने जैसे ही मीन का फार्मूला लिखा था, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन ऑफ एफ सम ऑफ एफ, तो हमें पता चल गया था कि हमारे पास एफ एक्स तो कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है, तो फिर हमने एफ एक्स खुद से बनाई, एक्वायर की, उसको खुद से हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो हमें पता चल गया कि अब हमारा फार्मूला इसमें पुट हो सकता है, राइट। तो इसी तरह हम मीडियन का पहले फार्मूला देखते हैं कि क्या है, मीडियन का फार्मूला इज एल प्लस सम ऑफ एफ डिवाइड बाई 2 माइनस सी एफ ओवर एफ इंटू एच। ये बड़ा देखने से बड़ा खतरनाक फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप इसको सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। एल मीन्स लोएस्ट क्लास बाउंड्री, ठीक है, ऑफ योर मीडियन क्लास, लोएस्ट क्लास बाउंड्री ऑफ योर मीडियन क्लास। मैंने आपको बताई है कि क्लासेस में क्लास बाउंड्रीज कहलाती हैं, दिस इज कॉल्ड द लोएस्ट क्लास बाउंड्री एंड दिस इज कॉल्ड द अपर क्लास बाउंड्री, ठीक है, यू से इसको हम लोग बोल देते हैं। द नेक्स्ट इज आपके पास सम ऑफ एफ, आपको पता है कि क्या होता है, इसको दोबारा लिख लेते हैं, यानी कि एफ वन प्लस एफ टू, ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसीज हैं, सो ऑन टू एफ एन, राइट, एफ थ्री प्लस एफ एन। अब सी एफ हमारे लिए एक न्यू चीज है, सी एफ मीन्स कॉम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास गिवन नहीं है, इट मीन्स ये हमें फाइंड आउट करनी होगी पहले, ठीक है, और f हमारे पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ये लोएस्ट क्लास बाउंड्री होती है ऑफ द मीडियन क्लास, जो हम लोग क्लास बताएंगे कि हमारी मीडियन क्लास कौन सी है। देखिए हम लोगों ने जब अनग्रुप्ड किया था तो हमने सिर्फ एक वैल्यू बता दी थी कि दिस इज योर मीडियन, लेकिन ये ग्रुप्ड डेटा में हमारे पास एक क्लास निकलेगी, ठीक है, यानी कि एक इंटरवल आ जाएगा पूरा कि हम बताएंगे कि ये हमारे पास मीडियन क्लास है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास
एंड एच इज योर क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल किसे बोलते हैं? क्लास साइज, यानी कि आपके अपर क्लास बाउंड्री में और लोअर क्लास बाउंड्री में कितना साइज है, वो सब में सेम होना चाहिए. 3-0 इज इक्वल टू 3, 7-4 इज इक्वल टू 3. ठीक है, तो ये आपका हाइट निकाल, ये आपका क्लास साइज निकलता है. अब वन बाय वन देखें हमारे पास क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं. L देख लें, लोएस्ट क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, बट वी स्टिल डोंट नो कि हमारी मीडियन क्लास क्या है. तो जब भी आप मीडियन फाइंड आउट करते हैं फॉर द ग्रुप्ड डेटा, आपका सबसे पहला स्टेप होता है इस चीज़ को सॉल्व करना, समीशन f ओवर 2. ठीक है, बल्कि ये इसको भी स्टेप 2 हम बोल लेते हैं. स्टेप 1 है हमारे पास CF फाइंड आउट करना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. जैसे मैंने आप यहाँ पे एक कॉलम बनाया हुआ है, ये मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए बनाया हुआ है. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको आप डिनोट करते हैं CF से. ठीक है, वो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है आपके पास, जो फर्स्ट क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो आपने एज इट इज़ लिख देनी होती है. फिर उस फ्रीक्वेंसी के अंदर आपने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज ऐड कर करके लिखनी होती है. ये आप क्यों करते हैं? ताकि आपके पास कोई भी सेपरेशन ना रहे डाटा में, आपके पास कोई भी ऐसी वैल्यू ना रहे डाटा में जो कि मिस हो जाए. फॉर एग्जाम्पल 2, राइट? 2 आपने एज इट इज़ लिख दिया. नाउ 2+3 इज इक्वल टू 5, 5+8 इज इक्वल टू 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13+3 इज इक्वल टू 16, 16+2 इज इक्वल टू 18. अच्छा, इसको सबसे बड़ा इसका फायदा ये है, इसको चेक करने की हैक ये है कि जो आपकी लास्ट CF आती है, डेट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ योर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो आपको पता चल जाएगा ये वाला टेबल आपने सही बनाया है, ये वाला कॉलम ये आपने गलत बनाया. अब जब देखें फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपने एज इट इज़ लिखनी है. CF को दोबारा देख लें, CF कैसे फाइंड आउट करना है? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपने एज इट इज़ लिख लेनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट क्लास 2, देन 2+ फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेक्स्ट क्लास, इट विल गिव यू आंसर अनदर, दैट आंसर प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ द अदर क्लास अनदर आंसर. ठीक है, इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप इसको प्लस करते रहेंगे तो आपके पास जो लास्ट CF आनी चाहिए, डेट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ F, जो आपके पास 18 था, और CF भी आपके पास 18 आया है, राइट? तो इट मींस के ये मेरी चेकिंग हो गई, ये मेरी वेरिफिकेशन हो गई कि जो मेरा CF है ये बिल्कुल ठीक है, राइट? अब मैंने इसको CF फाइंड आउट कर लिया, तो अब मैं CF में देखती हूँ कि मेरा स्टेप 1 डन हो गया, राइट? स्टेप 1 इज CF फाइंड आउट करना है. अब स्टेप 2, जिस तरह हर चीज़ के मैंने आपको स्टेप बताए थे, इफ़ यू रिमेंबर हमारे पास जो अनग्रुप्ड डेटा में भी मीडियन ही फाइंड आउट करने के स्टेप्स थे, मीन के और मॉड के इतने नहीं थे. तो सेम इज़ द केस विद ग्रुप्ड डेटा, के मीडियन के ही कुछ स्टेप्स हैं आपने जो उसको फॉलो करना है. द वन इज़ यू हैव टू फाइंड आउट द CF कॉलम फर्स्ट, एंड देन यू हैव टू सॉल्व दिस सम ऑफ F डिवाइडेड बाई 2. इसको अंडरलाइन कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारी मीन ख़त्म हो गया है, मीडियन को हम लोग कर रहे हैं, जो कि है हम लोग इसको फाइंड आउट कर रहे हैं. नेक्स्ट स्टेप सम ऑफ F डिवाइड बाई 2. सम ऑफ F हमारे पास क्या है? हम एक ही डेटा सेट को लेके जा रहे हैं, राइट? 18 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 9. अब ये जो 9 मीन्स ना, 9th आइटम इन द वैल्यू, 9th आइटम इन योर डेटा. अब 9 चीज़ हमने देखनी है कि वो हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 9 कहाँ लाए कर रही है. 9 कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाए कर रही है? 2 में लाए करती है 9? नो. 5 में? नो. 13 में? यस. वाई? बिकॉज 9 इज लेस देन 13. अंडरस्टैंड? सो इट मीन्स कि हमारी कहाँ पे ये लाए कर रही है, इस डेटा, इस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में. तो हमने इसको बोल दिया, ये मैं रेड से मार्क कर रही हूँ, दिस इज आर मीडियन क्लास. इस पूरी क्लास को आपने हाईलाइट कर लेना है, क्योंकि इसी की अब आपको चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी. ठीक है, दिस इज़ योर, यू विल राइट इट लाइक दिस, दिस इज़ माई मीडियन क्लास. यानी कि ये वाला इंटरवल जो है, ये वाली जो क्लास है, ये मेरी मीडियन क्लास है. अब जो मैं फार्मूला में पुट करूँगा, जो इतनी भी वैल्यूज पुट करूँगा, वो इसी क्लास की ऑब्टेंड होंगी, इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी, इसी क्लास की हाइट होगी, राइट? मीडियन क्लास. हम लोगों ने ये इंडिकेशन दे दी, हम लोगों ने ये हाईलाइट कर दिया कि दिस इज़ आर मीडियन क्लास. स्टेप 2 हमारे पास डन हो गया था. अब हमने ये वाले भी फाइंड आउट कर लिया है, हम लोगों ने ये भी फाइंड आउट कर लिया है. अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी पता है ऑफ द मीडियन क्लास, दैट इज़ 8. सो वी कैन गो टू पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्म्यूला.
यहाँ पे पुट हुई हुई ऑलरेडी। इस फॉर्मूला को ऐसे ही लिखने रहने देते हैं। जो इसकी डिटेल्स हैं वो मैंने इरेज कर दी हैं, क्योंकि अब हमने इसमें नंबर्स पुट करने हैं, वैल्यूज पुट करनी है। सो लेट्स सी, एक्स टिल्डा इज इक्वल टू लोएस्ट क्लास बाउंड्री, क्या है इस क्लास की लोएस्ट क्लास बाउंड्री इज 8, ठीक है, प्लस ये हमारे पास क्या आया था सम ऑफ एफ डिवाइड बाई 2 9 माइनस सी एफ। अब जो सी एफ होते हैं ना, दैट इज ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, दिस इज योर प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग क्लास जिसको पी सी एफ भी बोलते हैं, यानी प्रीसीडिंग कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी। ऑब्वियसली आपने देखें ये वाले तो नहीं उसमें फाइंड आउट कर सकते ना, सी एफ आपके 13 थी तो आपने उसके जो प्रीसीडिंग क्लास है आपने उसको वो पुट करनी है 5। 9 माइनस 13 तो आप ऑलरेडी ऑब्वियसली नहीं करेंगे, क्योंकि आपका सिर्फ स्टेप था टू फाइंड आउट आपकी मीडियन क्लास कौन सी है, 9 माइनस 5, ठीक है। और f क्या थी आपकी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास विच इज 8, ठीक है, इनटू हाइट, यानी कि क्लास साइज आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3, यह आपका क्लास साइज होता है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करते रहें, 6 7 8 9, 4 आता है यहाँ पे। एंड 3, अब इसको आप सॉल्व कर लें तो आपके पास मीडियन की आंसर आ जाएगा, दैट इज यहाँ पे मेरे पास सॉल्व हुआ हुआ है, मीडियन क्लास है 9.5 रीचिंग टू 31। अंडरस्टैंड, आप इसको सॉल्व करें, 4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3, डिमैस रूल अप्लाई करना है आपने, आपको पता है कि पहले आप डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई, 4 डिवाइडेड बाई 8 कर लेते हैं हम पहले, विच इज़ 0.5, दिस इज द रॉन्ग मार्कर, 8 प्लस 0.5 इंटू 3, ये आप लोग इसको ब्रैकेट में ही लिखें, 3 इंटू 1.5, 8 प्लस 1.5, 9.5, आपके पास मीडियन आ जाएगी, 9.5 इज़ योर मीडियन ऑफ दिस आंसर। अंडरस्टैंड, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने 4 जो अनग्रुप डेटा में जो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी वो भी 2 वैल्यूज़ को ऐड करके किया था, जब हमारे पास डेटा इवन में था तो हमारे पास यही वैल्यू आई थी, लेकिन दैट इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस कि हमारे पास नंबर वो वैसा थे, ठीक है। अब ये हम लोगों ने एक ही वैल्यू को लेके चले हैं, एक ही डेटा को, उसी में हमने मीन भी फाइंड आउट किया है, उसी में हमने मीडियन भी फाइंड आउट किया है। अब क्योंकि हमने मीडियन फाइंड आउट कर ली है तो इसको एक जल्दी से रीकैप कर लेते हैं। मीडियन का हमारे पास फॉर्मूला होता है ये वाला, जब भी आपने मीडियन फॉर द ग्रुप्ड डेटा फाइंड आउट करना है उसका सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि यू मेक अ न्यू कॉलम ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि आप बनाते हैं सी एफ के नाम से, और यहाँ पे जो उसको स्टार्ट देते हैं वो अपर उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो फर्स्ट क्लास की गिवन होती है उससे स्टार्ट देते हैं, और एंड में जो आपके पास आता है वो सम ऑफ एफ आना स्टार्ट हो जाता है। उसको सी एफ फाइंड आउट करने का वे ये है कि आप 2 को प्लस करते हैं नेक्स्ट प्री जो आपकी नेक्स्ट जो क्लास हो रही आती है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ जो आपके पास आंसर आता है, फिर आप वो वाला सी एफ प्लस करते हैं उस फ्रीक्वेंसी के साथ जो आपकी नेक्स्ट क्लास में होती है। इस तरह आपके पास कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल मौजूद हो जाता है, एक कॉलम बन जाता है। स्टेप 2 उसका ये होता है कि आपने फिर फाइंड आउट करनी है कि आपकी मीडियन क्लास कौन सी है। सम ऑफ एफ डिवाइडेड बाई 2 हमने सॉल्व किया था यहाँ पे, कि हमने सम ऑफ एफ डिवाइड बाई 2 किया, 18 डिवाइड बाई 2 हमारे पास 9th आइटम आया। हमने देखना है कि हमारे डेटा का जो 9th आइटम है, यानी कि वैल्यू ऑफ 9th है, वो सी एफ में कहाँ लाई कर रही है। हमने देखा 2 में लाई कर रही है, नो, 5 में नो, 13 में येस, तो हमने इस पूरी क्लास को मार्क कर लिया कि दिस इज़ आर मीडियन क्लास। अब मुझे जो भी डेटा चाहिए है, मुझे जो भी वैल्यूज़ चाहिए हैं टू पुट इन माई फार्मूला, आई विल टेक इट फ्रॉम दिस क्लास। मैंने ये दोबारा से फार्मूला देखा तो मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। L मेरे पास थी लोएस्ट क्लास बाउंड्री, सम ऑफ एफ डिवाइड बाई 2 मैंने सॉल्व किया हुआ था विच वॉज 9, माइनस सी एफ। सी एफ ये आपने याद रखना है, वही वाली नहीं ले लेनी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू दिस मिस्टेक एंड इट इज़ वेरी कॉमनली प्रैक्टिस्ड कि आप लोग सी एफ जो, क्योंकि वो आपने फाइंड आउट किया था ना कि मीडियन क्लास कैसी है, तो आप लोग सी एफ वही ले उठा लेते हैं। सी एफ आपने मीडियन में वो नहीं लेनी, हमेशा ये बात याद रखें, सी एफ उसकी पहली वाली लेनी है, राइट, उसकी प्रीसीडिंग क्लास वाली, प्रीसीडिंग सी एफ वैल्यू।
वो हमारे पास थी 5 जो कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई है, PCF वो आपने डाल दी यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 8 एफ क्यू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास थी मेरे पास 8 इंटू 3, 3 वॉज माई क्लास साइज. क्लास साइज कैसे डिटरमाइन करते हैं, यू माइनस द लोएस्ट क्लास बाउंड्री फ्रॉम द अपरस्ट क्लास बाउंड्री, तो आपके पास आ जाता है आपका क्लास साइज इंटरवल, क्लास साइज. और ये मैंने बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स की हुई है स्टेप बाय स्टेप, और मेरे पास मीडियन आंसर आ गया है 9.5. दिस इज़ हाउ यू फाइंड आउट मीडियन ऑफ द ग्रुप्ड डाटा. ये इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है, इसके सिर्फ 2 स्टेप्स हैं जो आपने याद रखनी है, और एक इंपॉर्टेंट बात है कि CF आपने कौन सी वाली लेनी है. हमने मीडियन फॉर जब अनग्रुप किया था उसमें भी हमने 2 स्टेप्स किए थे, कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या था कि आपने अरेंज करना था डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, और सेकंड आपका स्टेप क्या था कि यू डिसाइड कि डेटा इज इन ऑड इवन नंबर और ऑड नंबर. ठीक है, इसी तरह इसके भी ये 2 स्टेप है, फिर आपने जो है उसमें वो करनी है. अब स्टेप 1 मीडियन का क्या था कि सर स्टेप 1 इसमें आपने टू मेक द CF न्यू कॉलम, स्टेप 2 इसमें था समीशन ऑफ एफ डिवाइड बाय 2 फाइंड आउट करने हैं, और स्टेप 3 क्या है, यानी कि आपने ये बात याद रखनी है कि CF मेरी क्या होती है, असल में प्रीसीडिंग क्लास फ्रीक्वेंसी होती है PCF. ये 3 बातें आप याद रख लेंगे इंशाल्लाह मीडियन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे. ज़्यादातर ही मैं आपको इस पर इतना फोकस और इतना फोर्स क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो मिस्टेक करते हैं मीडियन फाइंड आउट करने में फॉर द ग्रुप डेटा, और वो मिस्टेक ये होती है कि स्टेप्स नहीं फाइंड आउट, पता ही नहीं चल रहा होता कि मीडियन क्लास कौन सी है. तो मीडियन क्लास को सबसे पहले पता चलने का मेथड ही है कि CF बनाएं और फिर पता करें कि मीडियन क्लास कौन सी है. जब पता चल गया मीडियन क्लास कौन सी है तो फटाफट उसके ऊपर वाली क्लास में लिख लें कि दिस इज माय PCF, कि मैंने जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर्मूले में पुट करनी है वो एक्चुअली मीडियन क्लास की CF नहीं पुट करनी बल्कि उसकी प्रीसीडिंग वाली CF पुट करनी है. राइट, तो ये 3 चीज़ें आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका मीडियन आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा. नाउ कमिंग ओवर टू द मोड, आपने मीन भी फाइंड आउट कर लिया, यू हैव लर्न के मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं फॉर द ग्रुप डेटा, आपने मीडियन भी फाइंड आउट कर लिया, नाउ लेट्स सी के मोड आप कैसे फाइंड आउट करते हैं फॉर द ग्रुप डेटा. मोड आपको मैंने बताया कि अनग्रुप डेटा में फाइंड आउट करना बहुत आसान है, दिस इज़ द मोस्ट अकरिंग वैल्यू जो कि बार बार रिपीट हो रही हो, दैट इज़ कॉल्ड योर मोड. और ग्रुप डेटा में इसका फार्मूला होता है XM या एक्स रॉ इज इक्वल टू L प्लस एफ एम माइनस 1. सबसे पहले आप फार्मूला लिखें ताकि आपको पता चले कि फार्मूले में क्या चीज़ें हमारे पास हैं और क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद नहीं हैं. जो नहीं मौजूद हम फिर उसको फाइंड आउट करेंगे. एफ एम माइनस एफ 1 प्लस एफ एम माइनस एफ 2 इंटू एच, यानी कि इंटू क्लास इंटरवल. अब एफ एम है हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, एफ 1 है फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर वाली, और एफ 2 है उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी पोस्ट क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट सीडिंग, और वो एफ 1 जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री सीडिंग क्लास है. अब यहाँ पे अगर हम बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी, समझ आएगी नहीं बात, तो हम लोग इसको इरेज करके एक नया कॉलम बना लेते हैं जहाँ से आपको पता चले कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास आपने कैसे फाइंड आउट करनी है. इसको डेल्टा से भी डोनेट करते हैं. अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है मोड ऑफ द ग्रुप्ड डेटा. मैंने वही जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन हम लोग जो एग्जांपल लेके चल रहे थे जिस क्लासेस की जिस इंटरवल्स की उसी को मैंने नीटली दोबारा यहाँ पे मेंशन कर दिया है. मैंने मीडियन क्लास को इरेज कर दिया है सो दैट हम लोग अब फाइंड आउट करें कि हमारी मॉडल क्लास क्या है. ठीक है, जैसे हम लोगों ने फाइंड आउट की थी कि हमारी मीडियन क्लास कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, हम लोग सम ऑफ एफ डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं तो हमारे पास मीडियन क्लास आ जाती है. लेकिन मॉडल क्लास हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिस क्लास में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है. ठीक है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मोस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर जो हमारे पास होता है जिस क्लास में, दैट इज़ आर मॉडल क्लास. हमने देखना है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस क्लास में है, 8, तो दिस इज़ आर मॉडल क्लास. अच्छा, ये बिल्कुल कोइंसिडेंस है कि जो हमारा मीडियन क्लास थी वही हमारी मॉडल क्लास भी बनी है.
ये एग्जाम्पल में ये डिजिट्स ऐसे हैं, एग्जाम्पल्स में नंबर ऐसे हैं, लेकिन थिंग्स आर नॉट ऑलवेज लाइक दिस. थिंग्स डिफरेंट भी होती हैं. ज़रूरी नहीं है कि जो आपका मीडियन क्लास हो वही आपकी मॉडल क्लास भी बन जाए. ठीक है, मॉडल क्लास आपकी कौन सी होती है? जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो. ठीक है, आपने फ्रीक्वेंसी का कॉलम देखना है फॉर द मॉड. ठीक है, फॉर द मॉड यू चेक फॉर द फ्रीक्वेंसी ओनली. सिंस कि आपके पास इस क्लास में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो हमने इसको मेंशन कर दिया है कि दिस इज़ माय मॉडल क्लास. यानी कि व्हाटएवर डेटा आई एम गोइंग टू पुट, व्हाटएवर वैल्यूज आई एम गोइंग टू पुट इन द फॉर्मूला, आई विल एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस क्लास. राइट, अब देखें एल आपके पास गिवन है. ठीक है, एफ एम क्या था? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि फ्रीक्वेंसी को ही आपने टेबल देखना है. आपकी एक्स से भी कोई मतलब नहीं है, आपका एफ एक्स से भी कोई मतलब नहीं है, सी एफ से भी कोई मतलब नहीं है. आपने सिर्फ फ्रीक्वेंसी को ही मेंशन करना है. अब यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं दिस इज योर एफ एम, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. एफ वन क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास. एंड एफ टू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द कमिंग अप नेक्स्ट क्लास, फॉर द पोस्ट क्लास जिसको आप बोल रहे हैं. ठीक है, अब आप इसमें फॉर्मूलाज पुट करें. एक्स रॉ इज इक्वल टू एल, क्या है आपका साइज? 3 था, 11 माइनस 8 3, प्लस एफ एम यानी के 8 माइनस एफ वन क्या है आपके पास? 3. ये वैल्यूज मैं यहाँ से ले रही हूँ जो मैंने इंडिकेट कर दी कि दिस इज एफ एम, दिस इज एफ वन, दिस इज एफ टू. राइट, डिवाइडेड बाय 3 को नहीं, सिर्फ यहाँ पे 8 माइनस 3 के नीचे आएगा. डिवाइडेड बाय एफ एम वॉज 8 माइनस 3, डिफरेंस ऑफ टू क्लास टू फ्रीक्वेंसीज, और फिर यहाँ पे आपके पास डिफरेंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज है एफ एम माइनस एफ टू, दैट इज 3. अब ये भी ऊपर नीचे F1 और F2 का इनसे वो इत्तेफाक ऐसा है कि वैल्यूज सेम है, वरना कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं. चले आप इसकी वैल्यू डिफरेंट ही कर लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ही ना रहे. F1 आप यहाँ पे कर लें, F2 आप कर लें 1. ठीक है, तो F2 हम लोगों ने कर लिया 1 इंटू H. H वॉज आर साइज इंटरवल. साइज इंटरवल क्या था? 3. यहाँ पे लोअर क्लास बाउंड्री हमने गलत लिखी है, 3 नहीं है, 8 है. लोएस्ट क्लास बाउंड्री, एल मीन्स लोएस्ट क्लास बाउंड्री और एच मीन्स साइज, क्लास साइज. ठीक है, जो आपके क्लास का साइज है, क्लास साइज मैंने लिख लिया 3 और एल जो था वो मेरा लोएस्ट क्लास बाउंड्री थी, जिसको आप यहाँ पे दोबारा देख लें कि दिस इज माई लोएस्ट क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास. एम क्लास मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सो दैट यू कैन नो. दिस इज माई एफ एम यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, एंड दिस इज़ माई एफ वन यानी फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास के ऊपर है, प्रीसीडिंग है. दिस इज अगेन एफ एम माइनस एफ वन, प्लस ये प्लस का साइन ज़रूरी होता है दोनों के डिफरेंस में. दिस इज एफ एम एंड दिस इज एफ टू, जो कि मेरी क्लास की बाउंड्री एफ एम से नीचे थी. इंटू दिस, दिस इज़ माई क्लास साइज. ये मैंने सारी चीज़ें इसमें इसे मैंशन करती हूँ सो दैट यू कैन नो. फार्मूला थोड़ा लॉन्ग है तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो. नाउ सॉल्विंग दिस, एक्स रॉ इज इक्वल टू 8 प्लस 8 माइनस 3 5 ओवर 8 माइनस 3 5 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3. पहले इसको सॉल्व कर लें. 8 प्लस 7 प्लस 5 7 8 9 10 11 12 इंटू 3. इसको सॉल्व कर लें. 8 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 12 कर लें. 5 डिवाइडेड बाय 12 0.42 0.42 यहाँ पे मेंशन करेंगे हम. 0.42 इंटू 3 कर लें. स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी. दैट इज़ 1.26. 1.26 प्लस 8 इज इक्वल टू 9.26 इज़ योर मॉड ऑफ द डेटा. 9.26 आपने मॉड फाइंड आउट कर लिया है. अंडरस्टैंड? तो दिस इज़ हाउ यू फाइंड आउट मोड ऑफ द डेटा. जो आपका डेटा अगर वो ग्रुप्ड फॉर्म में हो, ग्रुप फॉर्म में आपने डेटा को दोबारा से जल्दी से रिवाइज कर लें कि सिर्फ आपका जो कंसर्न होता है दैट इज़ ओनली विद द फ्रीक्वेंसी कॉलम ऑफ योर डेटा. आपके पास क्लास इंटरवल्स मेंशन होते हैं, फ्रीक्वेंसी मेंशन होती है. स्टेप वन आप क्या करते हैं कि पहले फाइंड आउट करते हैं कि मॉडल क्लास इसमें से कौन सी है. तो मॉडल क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे? द नंबर ऑफ हाइस्ट नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, जिस क्लास में हाइस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी योर मॉडल क्लास.
ठीक है। अब इसमें हमने देखा है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 8 की है, तो 8 को मैंने हाईलाइट कर दिया कि दिस इज माई मॉडल क्लास। जैसे ही आपने मॉडल क्लास अपनी बना ली कि ये मेरी मॉडल क्लास है, आपको पता चल गया, तो उसके ऊपर फौरन आप लिख दें उसके पहले वाले फ्रीक्वेंसी पे F1 और उसके कमिंग अप नेक्स्ट वाले फ्रीक्वेंसी पे लिख दें F2, ताकि आपके पास कोई कन्फ्यूजन ना रहे व्हेन यू कम टू द फार्मूला टू बिगिन विद, राइट। तो आपने जो फार्मूलाज में तमाम वैल्यूज ऐसे फाइंड आउट की, मैंने फार्मूला दोबारा से ओपन ये क्लोज करके मैंने बता दिया आपको। फिर इसमें आपने स्टेप बाय स्टेप सारा मैथमेटिकल पोर्शन कर लें, जैसे बेसिक मैथमेटिक्स, फिर उसके बाद आपके पास मोड आ जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू फाइंड आउट मोड ऑफ द डेटा। मीडियन भी हमने फाइंड आउट किया, एक ही डेटा का हमने मीन, मीडियन और मोड फाइंड आउट किया। इसके अलावा भी एक्सरसाइजेज हैं जो आप लोगों की स्लाइड में एक क्वेश्चन गिवन है, आप उसको सॉल्व करने की खुद भी इंशाल्लाह कोशिश करें। इट कम्स विद प्रैक्टिस, या आपको सिर्फ समझ से तो आसानी से इंशाल्लाह समझ आ भी गई होगी कि दिस इज़ हाउ इट इज़ डन, लेकिन जब व्हेन यू कम टू योर ओन सेल, जब आप लोग खुद सॉल्व करने लिखेंगे तो फिर फंस जाते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। यू नेवर नो के हाउ इज़ गोन कराची यूनिवर्सिटी आस्क यू द क्वेश्चन, वेदर आपको मैथमेटिकल सॉल्व करने के लिए दे दे कि ग्रुप्ड डेटा का फाइंड आउट करके दिखाएं, मीन मीडियन मोड, ये डेटा आपको गिवन हो, या फिर वो पूछ सकते हैं कि ग्रुप डेटा को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ डेटा ना गिवन हो तो फिर आपने उसको एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन लेकर उसको सारी एक्सप्लेनेशन करना होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे हम लोगों का जो टॉपिक है मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने एक न्यू टॉपिक अपने कोर्स ऑफलाइन का कवर कर लिया है। अब हमारे पास जितने भी टॉपिक्स रिमेनिंग है वो भी इंशाल्लाह फर्दर इंशाल्लाह सेशंस में कंटिन्यूटी में हम लोग कवर कर लेंगे। द मेन थिंग इज़ कि आपने हर टॉपिक को कैसे हैंडल करना है आपको आना चाहिए, कैसे वो क्वेश्चन पूछा जाएगा बाय द यूनिवर्सिटी, यू नेवर नो। तो आपको दोनों पोजिशन से तैयार होना चाहिए, मैथमेटिकली भी और एक्सप्लेनेटरी भी, कि अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपके पास मटेरियल इतना मौजूद होना चाहिए जो आप उसमें लिखेंगे, और अगर मैथमेटिक्स है तो ये मैंने बेसिक्स आप लोगों को इंशाल्लाह समझाई है, आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ आई, इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, यू कैन लेट मी नो, यू कैन आस्क मी बाय वॉट एवर मीन्स यू आर कंफर्टेबल विद, बाय ईमेल और बाय माई व्हाट्सएप नंबर जो हमने स्टूडेंट्स का बनाया हुआ है, कुछ भी आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन सारा सिस्टम है, ऑनलाइन दौर चल रहा है, इसमें वो आप ट्रेडिशनल वेज आप छोड़ दें, आप भी अब अपग्रेड हो जाएं, जैसे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपग्रेड हो गए, आप भी अपग्रेड होकर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किसी भी फॉरम पे आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन ये सारी सेशन कंप्लीट होने के बाद, देखने के बाद, आप जब भी पूछेंगे इंशाल्लाह आई एम देयर टू हेल्प यू। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे, वो भी स्टैटिस्टिकल है हमारे पास वो है कि स्टैटिस्टिकल डेटा को हम लोगों ने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कैसे करनी होती है, ये सारी रिसर्च की जो मेथोडोलॉजीज थी ये हमने पहले पढ़ी थी थ्योरेटिकली, अब हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, टिल देन फॉर द नेक्स्ट सेशन स्टे होम, स्टे सेफ इंशाल्लाह, एंड सी यू इन नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज़।